अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ जी आंटी, क्या हुआ? तेरा काम हो गया बेटा, पैर सर पे रख के भागा है जज पुलिस स्टेशन। बाबा अगर पुलिस स्टेशन गए तो मैं क्या करूं? उनकी बीवी जेल में है अपने कर्मों की वजह से, और मैंने विराट सर से कह दिया है कि उन दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं। प्लीज आंटी, बाबा क्या कर रहे हैं क्या नहीं आप मुझे मत बताइए, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं। सॉरी, बाय। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? अब क्या सब लोग इस केस में इन्वॉल्व होंगे? मॉम, मैंने डिसाइड कर लिया है, उस शिशिका और प्रियंका पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करने वाला हूं मैं, और इस बार आप रोकेंगे नहीं मुझे। अगर आप या कोई और रोकेगा भी ना तो मैं रुकूंगा नहीं। मॉम, ऐसे लोगों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखने की जरूरत नहीं है, और वो इशिका कोई दोस्त नहीं है वो आपकी। अगर आपकी सच्ची दोस्त होती ना तो प्रियंका के साथ मिलकर आएगी। That's it. सजा तो मिलेगी उन दोनों को मॉम, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और आपको दया करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैम, क्यों दया करेंगी उन दोनों पे? जिन लोगों की वजह से मैम की ये हालत हुई है, उनका इतना खून बहा है, उन पे दया थोड़ी करेंगे। क्यों मैम, आप रोकेंगी नहीं ना सर को अगर वो प्रियंका और ऋषिका पे केस करते? विराट बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू इन बातों का स्ट्रेस ले। अरे क्यों नहीं लेंगे? और वो स्ट्रेस नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बेटे हैं आपके, आपको जरा सी चोट लगती है ना सांसें अटक जाती हैं, आपको उस तरह खून में लथपथ देखकर जान निकल गई थी उनकी। माँ और उसके बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है। तुम्हारी भी तो माँ है ना, तुम्हें भी तो डर लगता है ना जब उसे कुछ हो जाता है। बबीता मैम की आंखों में जरा सा भी पछतावा नहीं है, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला अपने बेटे से, उस बेटे से जिनकी जान बचती है इनमें बहुत। एक्चुअली आपने सही कहा, माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है ना वो किसी और रिश्ते में नहीं होता, क्योंकि इस रिश्ते में मिलावट की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार, जिसकी वजह से ये रिश्ता और स्ट्रांग हो जाता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।